और साथ में है प्रमोद जी, तो इनको स्वागत के लिए मैं तो मैं पुनः एक गीत है दर्द करो ना से उठबो ना करो पढ़े ले में आ जबो अच्छा ले मथवा दबा तो ये बस ले लगे हो एवरी काल में मथवा दर्द करो जे अच्छा चल खा ले नहा ले पढ़ जा हम ना जो पढ़े ला सीना अच्छा मास्टर बैठ ना जब के तो ना मर पता मारता तो कि ना तो घर में आया हम जाए पढ़े ले हम जाते है और साथ साथ जीवो तो साथे तो हमरे बचे भी नहीं की हां ना बचे पर भी मास्टर बा के दबो अच्छा चल नमन के प्रथम स्थान विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह से गंगाधर कुमार दीपचंद प्रसाद वर्मा गंगाधर कुमार आएंगे इन्हें बर्मन जी अपने हाथों से पुरस्कार देंगे। आगे है इसी क्लास के सचिन कुमार फुल्दे प्रसाद वर्मा स्थापना समारोह में हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और यहाँ की मुखिया महोदय पंचायत नाटक देखा वो काफी सराहनीय है। इस स्कूल के सभी शिक्षक को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का नाटक अभी इन बच्चों को दिमाग में इन्होंने डाला है। इससे हमारा समाज उन्नति की ओर जाएगा और पूरे क्षेत्र में ये छोटे छोटे पब्लिक स्कूल खोलकर इन्होंने समाज को उत्थान किया है। मैं सभी इस तरह का शिक्षक को धन्यवाद देता हूं। बहुत तकलीफ से बहुत कम वेतन भोगी है ये लोग, वेतन पाके बच्चों को पढ़ाते हैं और स्कूल को संवारते हैं, पूरे समाज को संवारते हैं। मैं इन सभी का शुक्रगुजार हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। और जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद देता हूं। स्कूल में ये छोटे छोटे गली में गांव में छोटे छोटे स्कूल बनाकर एक दिन हमारा समाज को बहुत बड़ा रूप देंगे, मैं ये आशा करता हूं। अगर हमारा ये प्राइवेट स्कूल हम लोग का मदद से जो स्कूल चलता है, हम लोग आपस में जो स्कूल चलाते हैं, अगर ये स्कूल ना रहे तो शिक्षा तार तार हो जाएगी पूरे जिले में। जितना सरकारी स्कूल है लगभग अपना सिर्फ ड्यूटी पूरा करता है और हमारा ये प्राइवेट स्कूल यही समाज को ऊपर उठा रहा है। इसलिए मैं प्राइवेट स्कूल में मदद करने वाले, स्कूल खोलने वाले, स्कूल में पढ़ाने वाले, स्कूल में काम करने वाले सभी को धन्यवाद देता हूं। और साथ ही इस स्कूल में जितने लोग पुरस्कृत किए गए जिस भी क्षेत्र में, मैं स्कूल के प्रधानाध्यापक से अनुरोध करूंगा कि जितने लोगों को आप, मैं उन बच्चों को भी धन्यवाद करता हूं कि इस उम्र में ये लोग कंपटीशन में बैठने लायक हो गए और आप लोगों ने किया। और जो भी बच्चा पुरस्कृत हुए हैं, ये प्रधानाध्यापक यहाँ के शिक्षक यहाँ के जनप्रतिनिधि को मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं कि ये जितने पुरस्कृत हुए हैं सभी को मेरे तरफ से पाठ्य सामग्री हर साल दिया जाएगा और इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जितना भी ताकत लगेगा मैं लगाऊंगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूं।